को 18 साल में क्या दिया, मैं पूछता हूँ शिवराज सिंह जी से। कौन सा गुना मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया? मेरा जवानी से मैं बुरा नहीं हुआ। हमने योजना बनाई थी कि हर तहसील में हम एक मिनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। हम शुरुआत कर रहे थे इसकी। कौन सा गुना मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुना मैंने किया कि 27 लाख किसानों को पहली किश्त में हमने कर्जा माफ किया? कौन सा गुना मैंने किया कि हमने 1000 गौशालों का निर्माण की योजना बनाई और जो 15 साल में गौशाला नहीं बने हमने 15 महीनों में बना के दिखाई? कौन सा गुना मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया था? मोदी जी याद है क्या कहते थे 2013-2014 में, किसानों को 50% नफा होगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 2019 में किसान की बात नहीं करी, नौजवान की बात नहीं करी, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की बात करने लग गए। अभी भी आएंगे, नौजवानों की बात नहीं करी। ये जो भीड़ और ये उत्साह और जोश देख रहे हैं ये कमलनाथ के प्रति नहीं है, ये इनका आक्रोश है। आज की सरकार, आज की शासन, आज के नौजवान, आज के नव पीढ़ी समझ रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। जो हमने 2018 में कही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और आगे चल रहा था। हमारी सरकार नहीं रही तो ये बंद हो गया, वो तो हमारी पुरानी घोषणा है, हमें नई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, हम अपनी पुरानी घोषणाओं को पूरा अवश्य करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, मेरा जवानी से मैं बुरा नहीं हुआ, जवानी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। जबलपुर के सब इलाकों से, जबलपुर हुआ, बालाघाट हुआ, मंडला हुआ, और यहाँ मैंने महाकौशल को प्रतिनिधित्व दिया। 4 मंत्री, मैं था मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब महाकौशल के थे। कर्जा लो, ठेका दो, ठेका दो और कमीशन लो, ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनी हुई है, जनता इसे पहचान रही है। अब 23 के लिए हम अपना वचन पत्र बना रहे हैं, जरा जल्दी है कि मैं इसका खुलासा कर लूं, पर हमने सब जगह से सुझाव मंगाए, हमको मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान शाह ग्वालियर पहुंचे और करीब 1.5 घंटा जयविलास पैलेस में रहे, वही आलिशान पैलेस जो सिंधिया की मिल्कियत है। पैलेस के महाराज ज्योतिराज सिंधिया खुद मेजबानी में जुटे रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मेहमान नवाजी में सिंधिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अब अमित शाह और ज्योतिराज सिंधिया का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें अमित शाह विजिटर बुक में कुछ लिख रहे हैं और सिंधिया हाथ बांधकर सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर तंज कसा। दिग्विजय ने राहुल गांधी और ज्योतिराज सिंधिया और शाह सिंधिया की फोटो को शेयर कर लिखा, वक्त वक्त की बात है।
खास करके तीन प्रमुख मांगे हैं किसानों के लिए। मैं अनशन पर बैठा हूँ, किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। उनको एक तो पिछले साल की आपदा का पैसा था, जो ओलावृष्टि का पैसा था वो नहीं मिला। इस साल फिर से पानी बरसा और आपदा का पैसा इस साल फिर नहीं मिला, तो किसान बेचारा भुखमरी की कगार पे है। और किसान इसके लिए दोनों साल का पैसा भुगतान किया जाए, इसलिए मैं अनशन बैठा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि किसान को अपनी फसल को सरकार को देता है, वो पैसा नहीं मिलता है, चक्कर काटता रहता है। अगर वो कहीं कमीशन दे दे तो पैसा मिल जाता है। ये कमीशन खोरी ख़त्म हो और किसान को इससे लाभ मिले, और किसान के साथ में अगर ऐसा हुआ तो फिर देश का क्या होगा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।